सो हेलो गाइस, आप देख रहे थे टेक्नो गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में ये GTA 5 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली ये GTA 5 नहीं है दोस्तों, GTA 5 का मोड है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पर ये मोड आपको पूरा GTA 5 का एक्सपीरियंस देगा। जो भी GTA 5 में है वो पूरी चीज़ें इसमें है, उसके वेपन्स से लेकर सब कुछ। सिवाय GTA 5 जैसे ग्राफिक्स तो आपको नहीं मिल सकते, वो तो श्योर है, क्योंकि वो PC के लिए बने हैं, फ़ोन के लिए नहीं। तो गाइस ये गेम आपको पूरा GTA 5 का एक्सपीरियंस कराएगी। तो आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कैसे इसे इंस्टॉल करें, तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। सो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही गेमिंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। सो गाइस, बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। पहले आप जेड आर्चीवर ओपन कर लीजिए और डाउनलोड लोकेशन में जाइए, जहाँ आपने मेरी दी हुई लिंक से फाइल्स डाउनलोड की है। आपको ये 4 फाइल्स डाउनलोड करनी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो इसके APK को ओपन करना है। ओपन पर क्लिक कर दीजिए और इस APK को इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए और एक APK आपका इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगा। APK इंस्टॉल होने के बाद डन पर क्लिक कीजिएगा, ओपन मत कीजिएगा। उसके बाद आपको सेकेंड वाले फाइल GTA 5 एंड्रॉयड मोड टेक्नो गेमिंग ज़िप, जो कि 1.42 GB की है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। उस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कीजिए। आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड नहीं डाला है। आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको उसे होल्ड और प्रेस करना है और कट पे क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइस मेमोरी पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड फोल्डर पे जाना है, फिर डाटा फोल्डर में जाना है, OBB में नहीं जाना है, डाटा फोल्डर में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वापस आपको उसी डाउनलोड की लोकेशन में जाना है जहाँ आपने फाइल्स डाउनलोड की हुई थी। फिर आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, GTA 5 मोड Part 1 और Part 2, उसमें से Part 1 पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। ये आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड है TheTechnogaming, द टेक्नो गेमिंग, जो कि हमेशा मेरे सेम पासवर्ड होता है। फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट होने ही वाली है फ़ाइल, और फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कौन से फाइल्स है। आप देख सकते हैं ये है। एक बार एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप वो दोनों पार्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप में स्पेस नहीं है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। मेरे में थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर आप में स्पेस की प्रॉब्लम हो तो आप भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ काम की नहीं है। फिर एक्सट्रैक्ट किए हुए फोल्डर पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये फोल्डर दिखेगा, उस पर प्रेस और होल्ड कीजिएगा। फिर कट पे क्लिक कीजिए, डिवाइस मेमोरी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एंड्रॉयड फोल्डर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद OBB में जाइएगा, इस बार OBB में जाना, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा डाटा पेस्ट हो चुका है ऊपर। फिर बैक चले जाइए और अपने गेम को लॉन्च कीजिए। मैं आपको लॉन्च करके इसका पूरा गेम प्ले दिखाता हूँ। इस गेम के अंदर थोड़े बहुत फीचर्स है वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो ही आपका गेम स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे रिज्यूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं गेम बड़ी तेज़ी से लोड हो रहा है। वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि GTA 5 का है, फ्रैंकलिन कैरेक्टर का। और वही फ्रैंकलिन कैरेक्टर आ गया है गेम में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसे तो अभी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन फ़िलहाल मैं उठा के काट देता हूँ। गाइस, इस मोड का एक और
फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट स्वाइप नीचे करना है, एक विंडो खुल जाएगा, उसमें आप कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी चॉप को मंगाया है, जो कि फ्रैंकलिन का पेट है, जो कि डॉग है। ये देख सकते हैं चॉप आ चुका है। आप ऊपर दिए हुए दो आइकन से उसे कमांड दे सकते हैं कहाँ जाना है, फॉलो करना है कि यही रुकना है। अभी मैंने उसे बोला है पीछे आ जाओ, तो आ गया डॉग हमारा। आप स्वाइप नीचे करके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसके फ्रैंकलिन के कपड़े चेंज कर देता हूँ, इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है इसलिए। तो अपैरल में जाते हैं, सेंटर पे क्लिक कीजिए और ये देखिए सब के सब आ गए हैं। जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है कुछ खास, ये अच्छा ठीक है ठीक। तो गाइज़ हम ये वाइट वाला जैकेट रख रहे हैं जो काफ़ी इसमें सूट कर रहा है। तो गाइज़ मैं इसका और फीचर्स भी दिखाता हूँ, आप इससे व्हीकल्स से लेकर सब कुछ मंगा सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल व्हीकल मंगाता हूँ। व्हीकल्स का नहीं, ये तो वेपन का विंडो खुला है। मैं फिर से एक मिनट, चीट्स में हमें व्हीकल सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते। मैं वेपन्स ले लेता हूँ पहले, फिर यहाँ पर व्हीकल्स पैन में आपको जो व्हीकल चाहिए वो ले सकते हैं आप। तो गाइज अब हम कोई अच्छी सी गाड़ी ले लेते, कोई सुपर कार ले लेते, ताकि हमें इस गेम प्ले को दिखाने में भी काफ़ी मज़ा है और आप लोगों को भी मज़ा है। और ये कार ले ली हमने, और ये चॉप भी बैठ गया है अंदर। चॉप इस डॉगी का नाम है, GTA 5 में उस डॉगी का नाम चॉप रहता है, जो कि फ्रैंकलिन का पेट होता है, जो कि हमारा प्लेयर है अभी। आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स भी कुछ GTA 5 से कम नहीं है, GTA 5 जैसे तो नहीं है पर काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पबजी खेलने की वजह से मेरी थोड़ी ड्राइविंग ख़राब हो गई है। अरे अरे यार फिर से, अरे ये गुंडे फिर से आ गए, ये हमें मारेंगे अभी। रुको रुको एक मिनट, मैं इसे GTA 5 की गैंग को बुला दो, अपने दोस्तों को बुला दो, माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर। फ्रैंकलिन तो अपना ही प्लेयर है, आप देख सकते गाइस वो एक्स आ गया है। अभी एक्स को क्लिक करते ही आ जाएगी वो लोग। ये लो आ गए, तीन तीन आ गए। अच्छा वो लामार भी आ गया। गाइस लामार है ना, फ्रैंकलिन का फ्रेंड रहता है GTA 5 के अंदर। आप देख सकते ट्रेवर और माइकल भी वहाँ पे खड़े, जो कि GTA 5 के ही बड़े फेमस कैरेक्टर्स है। तो गाइस अभी चलते हैं वीडियो के थोड़ा आगे। मुझे मिली है बुगाटी वेरॉन, जिसे चलाने में मज़ा आ रहा है पर मज़ा बहुत बिगड़ भी रहा है। मेरी ड्राइविंग ख़राब हो चुकी है पबजी खेल खेल के, उसकी पबजी की ड्राइविंग की आदत लग गई है, इसलिए इस गेम में ड्राइविंग नहीं कर पा रहा मैं। और मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, अब सब पुलिस वालों को लंबेट करता हूँ। वैसे एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, अगर आप ऊपर ऐसे स्वाइप करोगे तो GTA 5 के वेपन्स डॉक की तरह आपके स्क्रीन में भी इस गेम में भी वेपन्स डॉक खुल जाएगा। उसमें सारे वेपन जो है वो भी GTA 5 के हैं। तो गाइस आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस मोड को यूज़ करने में। सो गाइस अगर आपको ये मोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस मोड को इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही गेमिंग और टेक्नोलॉजी के वीडियोस लाता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।